we stay this way, wrapped up in the summer days. Try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change. Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So, kaise aap sab? Alhamdulillah, ummeed hai sab khairiyat se honge. Aaj ye main hoon, aage baithe Adil. गाड़ी जो है वो उसकी दोस्त चला रही है जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर है, टीचर फाइनेंस यूनिवर्सिटी के अंदर. आदिल की दोस्त है, उसने इनवाइट किया बारबेक्यू के लिए. उसकी गाड़ी में सामान देख ले आप, कितना इतना सामान कोई बंदा दूसरे मुल्क जाए ना वो भी ना लेके जाए इतना सामान. की डिग्गी है गाड़ी की, वो भी इस टाइम फुल है बिल्कुल सामान के साथ. किस तरह का बारबेक्यू वगैरह करते हैं चाइनीज, क्योंकि मैं पहली दफा इनके साथ कर रहा हूँ. आदिल पहले कर चुका है. और भाई आदिल तू बता. ठीक है, मैं देख ला फिर मजे हो रहे. फुल आदिल के फुल मजे है चाइना में. 40 किलोमीटर यहाँ से आके जाना है. डब्बा इसके अंदर कोयले काम का, लेकिन है एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा आई थिंक सो. इसमें बुक्स वगैरह पड़ी है, क्योंकि है टीचर तो इसे बुक्स वगैरह भी रखनी पड़ती होंगी. और बाहर का मौसम भी बहुत प्यारा है. Don't want us to chip away. Oh, why? तो यार अब यहाँ पे अपना इसकी पहले रास्ते में गाड़ी वाश करवा रही है. अभी भी 35 किलोमीटर पड़ा है रास्ता, तो गाड़ी वाश. ये दूसरी जो अंदर बैठे बैठे आपके बाइक से पूरी गाड़ी वाश हो जाती है, वही वाला सीन करने लगी है यहाँ पे, ये वाला. इधर अपने स्पॉट पे जहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करना था, पीछे बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं आप देख सकते हैं. और यहाँ पे हमें धूप आ जाती है तो रोशनी आ जाती है आँखों में. बादल है इसकी दोस्त, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली. ये इसकी दोस्त है आदिल, टीचर है यार, टीचर है. मैंने पहले बताया मैं यहाँ पे छिंको बिछी के मार रहा हूँ खड़ा होकर. यार इसका नाम है लाला, उसका नाम है तोतो. ये बाप है, वो बेटी है इसकी. लाला तोतो बहुत क्यूट है. ये आ गए हमारे ग्रिल, ये आ गए आलू. अब हम इसके ऊपर आलू बनाएंगे बैठ के. ये इसके अंदर कॉइल वगैरह रखे हुए हैं. ये ये वाले तोफू हैं, ये आलू है और ये बीफ है साथ साथ. ये बाकी सारा बीफ ये वाला पड़ा है. तो ये जो तोफू है इसको ऐसे करके उठाना है आपने, और ऐसे करके आपने इसके ऊपर मिर्चें लगानी है. और फिर ये जो है ना, भाई ये बंदा कोई चीज नहीं छोड़ रहा आज, इधर कोई चीज नहीं छोड़ रहा है बंदा. पता नहीं क्या क्या खाएगा आज. तो कोई चीज तो छोड़ देता है ना बंदा मौलवी साहब. कोई नहीं, चल खा खा खा, अच्छा खा, गुस्सा ना कर. ओके ओके.
सारे तीन चार बंदों ने ना ये इतना सामान खा लिया है और हमसे सिर्फ ये अभी तक बीफ नहीं खत्म हुआ और ये आलू का डब्बा पड़ा ये नहीं खत्म हुआ अभी तक हमसे। हमारा स्लो ही बहुत चल रही है वाला। तो यार हमारा सारा सेटअप हो गया यहाँ पे पूरा। और चाइनीज़ों की एक अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पे इन्होंने पिकनिक जो भी किया है बारबेक्यू वगैरह जाते हुए सारा गंद उठा के अपनी कार में डाल के लेके जाएंगे साथ, और रास्ते में जहाँ कहीं ने मतलब कोई डस्टबिन वगैरह नज़र आएगी वहाँ पे फेंकेंगे। और अगर यही पाकिस्तान होता, कराची की साहिल समंदर होता, तो वहाँ पर आप गंद देख सकते हैं और वहाँ के बंदों के काम देख सकते हैं। तो यहाँ पर सफाई का इतना ख्याल रखने का भी सारा आहिस्ता आहिस्ता ये कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं जितनी भी हैं ये वाली ये और जो वहाँ पे बैठी है कैंप लगा के बैठे हैं अपने अपने ये सब के सब यहाँ से ना जाते हुए अपना गंद उठा के लेके जाएंगे और ये इनकी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक और रात हो गया, ये जो दूसरे वाले थे इनके दोस्त जो आए थे उनकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है। बैटरी वाली कार थी उनकी, बिजली पर चलती है आराम ही चार्ज होकर, और ये इनकी अब बैटरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं इधर से उधर कुछ। क्या बात है जी, स्टार्ट करने को टूच लगा रहे हैं, टूच एक स्टार्ट करेंगे अभी देखते हैं। तो यार ये इनकी गाड़ी हो गई है स्टार्ट और आज का व्लॉग भी यहीं पे करते हैं ख़त्म। टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। यार वैसे तो मैंने व्लॉग को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, लेकिन रास्ते में ये जो व्यू है ना, इस व्यू के सारे पैसे हैं। सीरियसली ब्रो, इस व्यू के सारे पैसे हैं। ये देखो, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कहना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा।